Saurabh Bhardwaj of the Aam Aadmi Party has hit back at the Congress, saying that they are prepared for any kind of eventuality. क्या माना जाए कि ये जो लोग मौजूद हैं ये भावी मंत्री बनने वाले हैं? जी हाँ, आप ये मान सकते हैं। क्या आप लोग एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तैयार हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल तैयार हैं, क्यों नहीं तैयार हैं। अभी कुछ देर पहले ही जनार्दन द्विवेदी ने कहा है कि कांग्रेस में एक बड़ा खेमा है जो इसका विरोध कर रहा है, उसके बावजूद कांग्रेस समर्थन दे रही है। आप पार्टी को भी अब अपना फर्ज निभाना चाहिए। हाँ, तो आप जनार्दन द्विवेदी जी से पूछे कि वो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। हम बताए क्या बताएं उसके बारे में, तो जनार्दन द्विवेदी का अपना स्टांस है ना। क्या आप पार्टी तैयार है इस बात के लिए कि अगर कांग्रेस अपना समर्थन वापस खींचे? हम सब चीजों के लिए तैयार हैं, सब कुछ तैयार होके ही आए हैं हम राजनीति के अंदर, आप बेफिक्र रहिए। Well, that's the response coming in from the Aam Aadmi Party, but a top minister telling Times Now that Congress is completely divided on outside support to the Aam Aadmi Party and is now also having second thoughts about the matter. In fact, sources adding that Congress feels that it is better to withdraw support now rather than a month later. Party mein ek raay ye bhi hai ki samarthan ka nirnay shayad is roop mein uchit nahi tha. कुछ लोग महसूस करते हैं, ये सही है आपकी बात। उसके पीछे तर्क ये है कि दिल्ली के मतदाता ने कांग्रेस का समर्थन नहीं किया और इस सीमा तक नहीं किया कि विपक्ष का नेता भी हमारा नहीं होगा, हम तीसरे नंबर पर चले गए। तो कांग्रेस के लिए शायद ये उचित होता कि कहते कि भाई सरकार बनाने या न बनाने का की जिम्मेदारी हमारी तो है नहीं, मतदाता की हमसे ये अपेक्षा नहीं है। जिसे सरकार बनाना हो बनाए, जिसके समर्थन से बनाना हो बनाए, जिसके साथ मिलजुल करके बनाना हो बनाए, हम सीमित स्थिति में विपक्ष की भूमिका अदा करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी तो पिछले 5 साल से रीजनल वेलफेयर कमेटीज पर काम कर रही है और हम लोगों ने उसका रेजोल्यूशन एमसीडी यूनिफाइड एमसीडी में पास किया था, उसका पूरा रोड मैप बनाया था। उसके बाद तीनों कॉरपोरेशन में जो है अलग अलग उसको जब ट्राइफर्केशन हो गया उसके बाद इम्प्लीमेंट किया गया और उसमें जो लोकल एरिया काउंसलर था वो आरडब्ल्यूसी का चेयरमैन रहेगा और जो वहाँ के ऑफिशियल्स हैं, लोकल स्टाफ जो है, लोकल ऑफिशियल जो है, जूनियर इंजीनियर है, वो उसको मीटिंग को कन्वीन करने, यानी कि उसको एक ऑफिशियल जो है पूरा कंप्लीट फॉर्मेट बना करके और पूरी तरह से डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अपनी भूमिका को समझते हुए इस काम को करती रही है। तो सर, आम आदमी पार्टी जो कर रही है कुछ नया नहीं या ऑलरेडी? ये तो सब चीज़ें ऑन रिकॉर्ड है। एमसीडी के हाउस से रेजोल्यूशन हैं, कमिश्नर के ऑर्डर्स हैं और उसका इम्प्लीमेंटेशन है। इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन जो है वो एक इशू है। अच्छा सर, लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो एमसीडी एनडीएमसी को हटाना चाहिए, सिर्फ ये लोकल इश्यूज को डील करेंगे, यू थिंक इट्स रियलिस्टिक? देखिए, ये तो जो एमसीडी है या एनडीएमसी है ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं और ये गवर्नेंस का एक 30 ईयर गवर्नमेंट सिस्टम है और अपने आप में ये पंचायती राज व्यवस्था हो या नगर निकाय राज व्यवस्था हो, ये तो एक अभिन्न अंग है गवर्नेंस का। With regard to Mohalla Samitis, let me put it this way. Across India, even the greatest supporters of Panchayati Raj movements, and actually I've worked in Panchayati Raj perhaps more than the combined experience of many others in the current political scenario in Delhi. These are very tricky questions. You know, smaller groups are not necessarily things in which minority voices find a place. There is an issue of majoritarianism. There is an issue of local interests versus larger group interests. There is an issue of one colony versus the other. And if you are giving money, then there has to be some statutory systems by which money will be given. They will also have to be audited. I mean, just as you believe that every government officer is to be doubted, anybody who handles public money has to be doubted. And, you know, therefore, you have to have strong, stringent systems by which not even a single paisa of money can be misused, whether it's a Mohalla Samiti or a Secretary Government of Delhi. The funniest political stand which the BJP believes is, after getting a minority, getting the minority numbers, the Aam Aadmi Party seeks a referendum. But even if today Aam Aadmi Party would be ready to support the Congress Party, and the Congress Party, if it goes with its 8 MLAs, the people of
8 MLAs, those who have supported him, will say that they are also fit to form a government. Even if it BJP goes to the people and says all the 32 MLAs who have elected us would say we are fit to form a government, it's a hogwash. It's the desire of the Aam Aadmi Party to form a government. They should form a government. But this is not a referendum. This is not an absolute majority. But nonetheless, the diagonally opposite philosophies have come together, which has been the bane of Indian politics, to form a government. The BJP has nothing much to say on that. Congratulations. नहीं ऐसे कुछ नहीं, हमने तो हमारा जो सपोर्ट है समर्थन ये किया हुआ है, ठीक है, हमेशा किसी भी संगठन में कहीं ना कहीं कोई अलग सुर रहता है, लेकिन हमारा जो समर्थन वो आप पार्टी को है, आगे चल के क्या होता है वो देखेंगे। बस हम अपेक्षा करेंगे आप पार्टी से कोई अच्छा काम करें, उनका जो मैनिफेस्टो है और लोगों के अच्छे काम हो वो उनसे हमारी अपेक्षा है।